में खून की बजाय लोकतंत्र दौड़ता है तो ये अनुचित नहीं होगा। अगर आप रामपुर आते हैं और राजनीति को सीख के यहाँ से जाना चाहते हैं और आजम साहब से नहीं मिलते तो मुझे लगता है ये कहना जरूरी होगा कि आपका कहरा पढ़े बिना स्नातक करने चले। जी हाँ, आज हमारे शो में मेहमान हैं आजम खान साहब, जो एक खुद में एक अनुभव की पाठशाला है। आजम साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। आजम साहब, जो माहौल है समाजवादी पार्टी को लेकर, हालांकि अब तो चीज़ें बहुत बेहतर हो गई हैं, क्या देखिए आपको क्या नज़र आ रहा है कि संघर्ष कितनी लंबी गाथा के बाद किस ओर बढ़ रहे हैं हम लोग? न देखिए, जो माहौल आप देख रहे हैं, जो आपने कार्यालय में भी देखा, और इन नौजवानों से मैंने यही कहा है कि आपके इस जोश को देखकर थोड़ा सा डर भी लग रहा है। ये यूं ही नहीं है, एक दिन या एक हफ्ते की मेहनत नहीं है, हमारे लिए तो पूरी ज़िंदगी की मेहनत है। और क्योंकि समाजवादी पार्टी ने, सरकार ने काम किया, तो जो एक नारा दिया था सीएम ने हमारे, कि काम बोलता है, तो ये उस काम की आवाज़ है। तो खाना रोड था, पहली बार रामपुर आना हुआ, एक नज़र देख रहा हूँ दूसरी साइड, अब ये वाल्मीकि रोड है। अच्छा, हम सबको साथ लेकर चलते हैं। एक नज़र जब देख रहा हूँ दूसरी तरफ तो मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं हजरतगंज में चल रहा हूँ कि रामपुर में चल रहा हूँ। पहली बार मैं किसी ऐसे शहर में जाता हूँ जहाँ मुझे लगता है कि लखनऊ के बराबर खूबसूरत है। कितना मुश्किल रहा है पूरा काम और कितने शानदार तरीके से आपने काम किया? अभी इससे भी बेहतर बनाना है। जो कुछ आप देख रहे हैं ये एक हिस्सा है उस सपने का हमारे, जो हमने देखा हुआ है। आम तौर पर लोगों ने ये सपना भी नहीं देखा था, इसलिए कि सपना देखने वाले दिमाग को यहाँ के नवाबों ने और जो लोग चुनकर आए उन्होंने उनके दिमागों को बिल्कुल बिल्कुल ख़त्म कर दिया था। ब्रेन किलिंग हुई थी यहाँ, लोग सोचना ही नहीं चाहते थे, सोचने का एहसास नहीं छोड़ा था, सोचने की ताकत नहीं छोड़ी थी उन्हें। बस ये मालूम था कि जो सरकार सोचेंगे बस वही हमारा मुकद्दर है, और सरकार जो सोचते थे उसमें जहालत, बेरोज़गारी, अय्याशी, इसके अलावा कुछ नहीं सोचते थे। अब्दुल्ला साहब इस बार राजनीति मैदान में हैं, अगर पिता की दृष्टि से अलग हटके देखें तो एक उम्मीदवार के तौर पर कैसे जज करते हैं? दरअसल उस इलाके में कोई मुकाबले के लिए तैयार नहीं था। नवाबों का बड़ा हवा रहा है, हमने भी जब राजनीति की शुरुआत की थी तो फ्यूडलिज्म के बड़े चैलेंजेस थे हमारे सामने, अंग्रेज, नवाब, कांग्रेस, यहाँ के रईस लोग और क्रिमिनल्स, ये इतने ज़्यादा फैक्टर्स थे जिनमें किसी एक आम खानदान से, आम परिवार से कोई व्यक्ति निकलकर, किसी मोहल्ले की गली के घर से निकलकर, इन लोगों से आंख में आंख डालकर बात करें, इनसे पंजा डालें, ऐसा सोचा नहीं जा सकता था। लेकिन हुआ, पहले इरादा किया, फिर अपने इरादे को खूब तोला अपनी ही तराजू में, और फिर नतीजा ये निकाला कि नहीं, मुकाबला करना चाहिए, लोगों को उनका हक दिलाना चाहिए। तो अब्दुल्ला ने जो कुछ सीखा है वो अपनी माँ के पेट में जो आवाज़ें सुनी होंगी, पैदाइश के बाद जो कुछ सुना होगा हमारे दोनों बच्चों ने, उसमें जाहिर है लोगों को उनका हक दिलाने की बात ही होगी। और जहाँ तक सवाल टांडे का सवाल है, आप वहाँ के हालात देख लीजिए, आज़ादी के बाद से वहाँ किसी नवाब के नाम का पत्थर लगा नहीं मिलेगा, किसी इमारत पर, चाहे वो तहसील हो, अस्पताल हो, कॉलेजेस हो, वाटर सप्लाई सिस्टम हो, सड़कें हो, कहीं आपको हमारे अलावा किसी का पत्थर नहीं मिलेगा। हमारे लोग नहीं भी चुने गए तो हमने कोई उनके साथ तासुब नहीं किया, कोई भेदभाव नहीं किया, उनका विकास करते रहे। एक साल में तकरीबन 350 करोड़ रुपया खर्च हुआ है, एक साल में कुल मिलाकर तो बहुत हुआ है। एक एक सड़क स्वार टांडे की 100-100 करोड़ से ऊपर की है, एक सड़क, क्या ये संभव था? तो जिन लोगों ने लूटा वो किसी को कुछ दे नहीं सके, क्योंकि उनकी देने की आदत ही नहीं थी, उनकी आदत तो लूटने की थी। नवाब राजू ने और क्या किया, खून खींचा, हड्डियों से गोश्त उतारा, खाल उतारी और मक्खियों में भिनकता हुआ छोड़ दिया, उन्हें अपने महल बनाए,
यहाँ जितनी भी यादगारें हैं सिर्फ नवाबों की हैं, महल, किला, कोठियाँ। लेकिन अब नए हिंदुस्तान में आप देख लीजिए रामपुर को, 1947 तक यहाँ कोई पक्का मकान नहीं था, बल्कि 1952 तक नहीं था। सिर्फ उन चंद लोगों के मकान थे जो नवाब के दस्तरखान पर खाना खाते थे और अपने परिवार की महिलाओं को जाते थे। तो आज साहब मोहम्मद अली जौहर साहब ने बहुत बरसों पहले बहुत क्रांतिकारी प्रयोग किया था तालीम को लेकर, उसके कई सालों के बाद आपने सिंगल हैंडेडली इतना बड़ा प्रयास किया, कितना मुश्किल रहा पूरे यूनिवर्सिटी का बनाने से गुजरने के दौरान? सोचो तो बहुत सख्त है और करो तो कुछ भी नहीं। आगे बढ़े लोगों ने साथ दिया, सबसे ज़्यादा हमारे उन कमज़ोर लोगों ने रामपुर के, जिन्हें लोग बहुत हल्की निगाह से देखते थे, रक्षा वाले, बीड़ी वाले, मजदूर लोग, आज भी वही हमारी ताकत है। आज भी शहर के रईस हमारी ताकत नहीं है, काम हम उनके भी आते हैं। लेकिन अगर कोई रिक्शा वाले हमारे काफ़िले को रोक देते हैं तो हमारा पूरा काफिला वहीं रुक जाता है, लेकिन बड़ा आदमी कार से उतर कर रुकेगा तो हम नहीं रुकेंगे। ऐसा इंटरनेट पे एक बहुत बड़ा यूथ वर्ग है हम लोग का जो लगातार आपको फॉलो करता है, तो कुछ भी हमारे युवा दर्शकों को लेकर आप संदेश देना चाहेंगे? हमारी ताकत है, धड़कन है हमारे दिल की, रोशनी है आँखों की, हमसे उन्हें सबक लेना चाहिए। मेहनत, ईमानदारी और कमिटमेंट विद योर ओन व्यूज़, जो आपके अपने ख्यालात हैं उनके साथ भरपूर, नहीं हमें ये करना है। तो नौजवानों का युग है, उन्हें देश बनाना है। उन लोगों की बात नहीं सुनना है जो कहते हैं हमें संविधान में यकीन नहीं है, उन लोगों की बात नहीं सुनना है जिन्होंने बापू की हत्या की है, उन लोगों की बात नहीं सुनना है जो बापू के हत्यारों को हीरो ऑफ द नेशन कहते हैं, उन लोगों की बात नहीं करना है जो कमज़ोरों का अधिकार छीनने के लिए कहते हैं रिजर्वेशन ख़त्म हो जाना चाहिए। और अगर वो ये कहते हैं तो उनकी तो आज सत्ता है, आरएसएस से ज़्यादा मजबूत राजनीतिक दल तो देश में कोई है नहीं। तो पार्लियामेंट में बिल लाएं, बजाय इसके कि भागवत साहब या उनके दूसरे लोग एक कमज़ोर आदमी की तरह बंद कमरों में अपने ख्यालात का इजहार करें और वो मीडिया के जरिए बाहर भेजा जाए कि रिजर्वेशन ख़त्म होना चाहिए। पार्लियामेंट में बिल लाएं, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, फिर हम देखेंगे खुद भारतीय जनता पार्टी के कितने सांसद इस बिल के पक्ष में खड़े होंगे। कम से कम अपनी हैसियत को पार्लियामेंट में पहचाने। तो गुजरात में बेगुनाहों को मार देने से, मुजफ्फरनगर में मार देने से, दादरी में फ्रिज में रखे गोश्त पर गुमान की बुनियाद पर किसी की जान ले लेने से कोई हिंदू खुश नहीं होंगे। आज हिंदू मुसलमान, सिख ईसाई सब यही चाहते हैं कि शांति रहे, प्यार का माहौल रहे, क्योंकि लड़ाई झगड़ा कोई मसले का हल ही नहीं। कर्फ्यू के बाद किसका नुकसान होगा? फिर अमन मार्च निकलेगा, वही लोग मिलकर अमन मार्च निकालेंगे जो आपस में झगड़ा करेंगे, तो हम वो नौबत ही क्यों लाएं? साहब आप रामपुर में व्यक्तिगत संस्था के तौर पे काम कर रहे हैं, आप लोगों को प्रेरित करते हैं, ऐसे युवा लोगों को प्रेरित करते जाइए, यही हमारी शुभकामना। कोशिश तो यही है, आपने हमारे कार्यालय में इस वक्त देखा है कि ये जो तूफान है ये नौजवानों का है, और जाहिर है हमने उनके लिए कुछ किया है, सरकार ने भी किया है। इस शहर के, इस ज़िले के सम्मान को हमने, इसकी पहचान को, जो पुरानी पहचान थी गुलामी की, नवाबों की, अय्याश इतिहास की, चाकू की, लड़ाई झगड़े की, उसको ख़त्म किया है। आज रामपुर एक विकसित ज़िले के शहर के तौर पे देखा जाता है, एक एडवांस रामपुर देखा जाता है, एक शिक्षित रामपुर देखा जाता है, एक ऐसा रामपुर जहाँ से ऐसी शिक्षा की ज्योत जगेगी कि बाहर के लोग आकर यहाँ से फैज़ उठाएंगे। हमने जो स्कूल खोले हैं उसमें भी हम हॉस्टल सिस्टम शुरू करने जा रहे हैं ताकि बाहर के बच्चों को भी हम पढ़ा सकें। यूनिवर्सिटी में तो हॉस्टल्स हैं ही, दूसरे प्रदेशों के लड़के हैं, लड़कियाँ हैं, और हो सकता है अगले साल से विदेशों के बच्चे भी हमारे यहाँ पढ़ने के लिए आए। बहुत अच्छी रेपुटेशन है हमारी यूनिवर्सिटी।
आत्मा इस रूम में आया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया।